कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर के बीच कई महीनों से जो विवाद देखने को मिल रहा है उसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल भी शामिल हैं। ये तीनों नेता मिलकर दोनों के बीच जारी मतभेद को खत्म करेंगे। इस दौरान ये तीनों नेता सीएम अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू का पक्ष जानेंगे और गतिरोध खत्म करवाएंगे। आपको बता दें कि सोनिया गांधी की ओर से गठित समिति राज्य में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह और गुटबाजी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसके साथ ही साथ वो इन नेताओं को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने बड़ा कदम उठा लिया है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।